नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से, और आप सभी को बताना चाहेंगे मृतक गोताखोर सुरेंद्र का शव जो है मोर्चरी हाउस में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो परिजन हैं, उन वो आरोप लगाते हुए प्रशासन पर नजर आ रहे हैं। लापरवाही के आरोप प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। भी अपने आप ही ऊपर आई है, उन्होंने बिल्कुल भी बड़ा प्रशासन कोई नहीं करी जी। पता चला कि पास ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी गार्ड है, ना कुछ है, कुछ नहीं आज मेरे पास। तो पेट्रोल भी आपने अपना ही डलवाया है किस टीम में? पेट्रोल भी जी। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से प्रशासन के पास कुछ भी इंतजाम नहीं है, खत्म चीज है प्रशासन, क्या कुछ भी नहीं प्रशासन, तो बंदा मर जाए प्रशासन। कुछ मुआवजे की मांग की जाएगी परिवार के द्वारा, कुछ ऐसा कुछ करा जाएगा परिवार के लिए, उसकी होना चाहिए जिसके लिए। कोई नौकरी की मांग की जाएगी? धर्म की बात है प्रशासन के लिए, कई बड़े दावे किए जाते हैं कि इतना पैसा लगा रही है प्रशासन, लेकिन खोखले है जी। यमुनानगर के अंदर गोताखोर नहीं है, गोताखोर तो है जी, पर सुविधाएं नहीं है उनके पास जी, कोई सुविधा नहीं है जी। उनसे ज्यादा सुविधाएं तो प्राइवेट प्राइवेट है जी, प्राइवेट लेगा अपना सामान जी। राजीव गोताखोर थे, उन्होंने अपना पूरा पंजाब से चार आदमी भी नहीं इकट्ठे करे ना जी, अपना सामान भी लेकर आए बेचारे सारा। अच्छा, वो लेकर आए जी, मैं पूरा उन्होंने अपना सामान जी पूरा समर्थन करे अपना चरणों में, गोताखोर को फ्री में ढूंढने का प्रयास करते हैं जी। तो गंदा चीज है, प्रशासन कुछ भी नहीं है। एक मौके पर कोई अधिकारी देखने आया उनका भाग लिए जी, ताकि उनको कोई ना किसी प्रकार का कुछ ना कहना था। भाग के जो थे, इसकी बॉडी कहाँ से मिली थी? बॉडी की वहाँ की मिली जी, इंद्री से नीलोखेड़ी। हाँ जी, कभी बॉडी पोस्टमार्टम हो चुका है, भेज दिया पोस्टमार्टम हुआ। हाँ जी, परिवार वाले काफी दुखी है, काफी दुखी है। तो सरकार की तरफ से कुछ आया कोई अफसर? कोई नहीं आया मुआवजा देने के लिए, कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया जी। दुख है आपको भी? दुख है जी। तो देख सकते हैं एक्सपायर हो पड़ी है, कोई सेफ्टी नहीं हमारे पास, पेट्रोल भी अपने धोरे से भरना पड़ा। बड़ी लानत की बात है सरकार पे जी, लानत की बात है सरकार की, बड़े बड़े दावे करती है। बिल्कुल है जी, हमारे खुद वो कोई सेफ्टी नहीं है, सारे लाइफ जैकेट वो खत्म हो पड़ी थी, कश्तियां उनमें से कोई भी चेक कर लो किसी भी तहसील की जागे, सारी कश्तियां हम पानी भरे जी। खुद हमारे साथ हादसा हुआ था नौ महीने के पहले। कुछ अग्निशमन विभाग के अधिकारी भी थे उसमें मौजूद। 9 महीने पहले खुद हमारे साथ हादसा हुआ था, कितना कुछ नहीं आई, कुछ भी नहीं, मरते मरते बचे थे। उस टाइम भी सुरेंद्र था, अमर था, पटवारी धर्मेंद्र भी था, उसको तो दूसरा जीवन दान मिला है, धर्मेंद्र पटवारी को इस टाइम है भाई। हाँ जी, जीवन दान मिला, ये दूसरा जीवन दान मिला है। वहाँ पे गुमथोड़ा के इतने पटवारी थे, हमारी ट्रेनिंग लगा रखी थी वहाँ पे, कोई सेफ्टी कुछ नहीं, पानी इतना भरा है उनमें। आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, खिलाफ नहीं बोल रहे मुझे, सुविधा दो, तैयार बैठे हैं जी, ट्रेनिंग ले रखी है। गोताखोर की तीन है, उनके पास भी कुछ सामान नहीं है? नहीं, जैकेट देखो ना आप। अच्छा, क्या जैकेट फटी हुई? फटी है कब से, पुराने। तो इस बारे में भी बात को नहीं बताया गया? सबको बता रखे, सबको बता दे। तो कुछ इश्यू तो वहीं से होता सामान। ऑक्सीजन की कह रहे फाइल अभी तैयार है, फाइल जा रही है, फाइल देखो सर, हम तो हमारी ड्यूटी इनके साथ, पटवारियों की ड्यूटी इनके साथ लगती है। ऑक्सीजन वगैरह यहाँ तो मेरे ख्याल में तो है नहीं, मेरे ख्याल है कुछ नहीं है जी। उनसे ज्यादा सुविधा तो प्राइवेट गोताखोर के पास है? हाँ, उनके पास है, वो तो होगी सर उनके पास, हमारे पास वैसे मैं बता रहा हूँ, हमारे तो ड्यूटी लगती इनके साथ कुछ नहीं। तो वो भी हम चलाना जानते हैं, तो कोई उजर करना जानते हैं सारी चीजें सर, पर जो सुविधा के पास होनी चाहिए वो है नहीं। मुआवजे के लिए कुछ कहा जाएगा जिस तरीके से परिवार के? वो तो देखो इनकी भी अपनी, वो जो कोई अधिकारी उनको डीसी रेट पे नौकरी मिले उनके परिवार से, कोई आया अधिकारी, कोई आया मेयर एमसी, कोई आया सांत्वना देने के लिए? मैं तो अभी आऊं सर, लोकेशन पे एमसी कोई नहीं बता रहा है। आप लोकेशन पे कोई अधिकारी आया था आपके डिपार्टमेंट का देखने के लिए, आपका बंदा डूबा था? हमारे डीएमसी साहब आए थे, डिप्टी मेयर साहब आए थे, वैसे तो ये कब आए थे? उसी दिन ही अगले दिन, उसी दिन आए थे क्या, मौके पे बाद में आए थे? कल आए थे डिप्टी मेयर साहब। अच्छा, अमर जी कहीं ना कहीं आप भी पानी में रहते हैं, तो आपकी भी जान को खतरा मंडराता रहता है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स से क्या कहना चाहेंगे? बेक हादसा तो हो चुका है, आगे आने वाले हादसों से बचा जा सके, क्या गुहार लगाना चाहेंगे? गुहार तो प्रशासन से हम यही लगा रहे हैं, और आज से नहीं कई सालों से लगा रहे हैं जी, क्योंकि एक गोताखोर की जो जीवन रक्षा करे दूसरों की जी, वो 24 घंटे मृत्यु के मुंह में उठता है जी, और ऐसा कई बार हो गया, कई बार रात को भी ऑपरेशन नहीं। आप क्लियर बताओ ना, इक्विपमेंट क्या? हमने प्रशासन से भी, मुख्यमंत्री साहब से भी 2-3 बार, हमारे यहाँ विधायक एमएलओ ने भी मुख्यमंत्री साहब को बोला कि भाई गोताखोर की पोस्टें बनाओ, और कई बार हम एमएलए विधायक दूर चंडीगढ़ डीसी साहब को भी कई बार लिख के दिया कि भाई गोताखोर की पोस्टें सेंशन की जाए, क्योंकि जब भी कुछ हमें लेने की बात आती है तो एक ही चीज होती है कि भाई ठेकेदार के आदमी है, मतलब कि डिपार्टमेंट पल्ला झाड़ जाता है कई बार।
अभी आप मेन सवाल जो है वो ये बताएं कि कौन सी चीजें हैं, कौन से इक्विपमेंट है जो जरूरी है और जो आपके पास नहीं है। जरूरी तो ऐसा जो ऑक्सीजन सिलेंडर और जो आजकल आधुनिक इक्विपमेंट है वो जरूरी होने चाहिए। कौन कौन से है उनका थोड़ा नाम बता सकते हैं? जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की है और अच्छी वाली लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय। आपके पास अच्छी वाली नहीं है, इक्विपमेंट भी तभी कामयाब होते हैं क्योंकि एक गोताखोर हजारों आदमी को कैसे डील कर सकता है। अभी जो ये हादसा हुआ तो ये सिर्फ दो ही आइटम है क्या जो होता है? एक मिनट बात सुनो, आइटम तो तभी काम करेगी ना, क्योंकि अब एक ड्राइवर पानी के अंदर है तो उसको लाइफ लाइन देने के लिए एक बाहर एक तैराक प्रॉपर एक पांच सात बंदों की एक टीम होती है, जैसे इतने बड़े मेले होते हैं। क्योंकि जब एक आदमी खतरे से जूझ रहता है तभी दूसरा बचाने के लिए बैकअप देता है, तो यहाँ बैकअप की बहुत बड़ी कमी थी। तो चलो एक साथी गोताखोर वहाँ मौजूद था, उसने काफी हेल्प कर दी, एक लोकल तैरने वाला था। सर अगर अगर मौके पर राजीव भी ना होता तो सर कल शायद क्या पता मुश्किल हो जाती सर। हम पहले भी हादसा हो चुका है, हमारे धर्मेंद्र पटवारी है उनके पहले हम गुमथड़ा हमारी ट्रेनिंग थी वहाँ भी नाव पलट चुकी थी पहले, ये भी साथ थे, सुरेंद्र जी भी साथ थे। सुरेंद्र काफी पुराने गोताखोर थे, काफी एक्सपर्ट गोताखोर माना करता था। गौरव पटवारी, गौरव राणा पटवारी, धर्मेंद्र पटवारी, उनको उन्होंने सारा हैंडल किया, बताया नाव पलट की थी, ऐसे ही ये सीन हुआ था हमारे साथ भी। जी अमन जी आप मेन बात जो है कल ये भी देखी गई है परसों जब जिस समय नाव पलटी है, हमने जो नाव थी उसमें पानी उतारते ही भर जाता था। जी सर जो मेन समस्या ये भी परसों सामने आई है कि जिस समय नाव डूबी है मौके पर एम्बुलेंस का अरेंजमेंट भी नहीं था, जो लोग वहां पर थे सर उनको भी बाइकों पर लेके जाया गया। मैं ड्यूटी पर नहीं था, मेरी ड्यूटी नहीं थी वहां पे, ये मेरे को पता है। तो तस्वीरें देख रहे थे आप मोर्चरी, तो जिस तरीके से सांत बनाए हैं, सबसे परम मित्र माने जाते हैं अमर गोताखोर के गोताखोर सुरेंद्र जो है, तो कहीं ना कहीं आप सभी को दिखाएंगे परिवार इस समय स्थितियों में नहीं होते हैं, उनसे बातचीत करेंगे, राजीव से बातचीत करेंगे जिनकी प्राइवेट टीम है, बहुत अच्छा काम कर रही है। माना जाएगा आपके प्रोफेशनल आदमी था, आज उसने जान गवाई, आपके पास इक्विपमेंट है क्योंकि आपने पैसा खर्चा हुआ है, लेकिन वो गरीब आदमी जॉब करते थे उनके पास बिल्कुल भी कोई इक्विपमेंट नहीं था, तो क्या कहेंगे सरकार को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। यमुनानगर इतना बड़ा जिला है, इतने बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर लाइफ जैकेट आपके सामने बोला गया। सर जी हमारे पर नौकरी रखी है, सबसे यमुनानगर के पुराने गोताखोर हम है, ठीक है, ये हमारे से बाद में आए हैं। देखो हमारे को सुविधा मिल होती ये काम ना होते, मैं तो मौके पे था, किसी सरदार जी डूबे हुए थे उनके मेरे को उन्होंने बुला रखा था, ठीक है, मैं तो वहां मौके पे था, मैंने निकाल लिया आदमी, नहीं होता तो क्या करता, सारे डूब जाते हैं, फिर क्या करते ये। अब हमने मैंने अपना 5-5.5 लाख रुपए अपने घर से लगा रखा है, ये जो इक्विपमेंट्स है आपके सारे, मेरे पे तो सारा कंप्रेसर है, डबल किट अपनी, मैंने सब अपना ले रखा है, मैंने किस सरकार से मेरे को कोई सुविधा नहीं मिली आज तक। आपके भी खर्चे होंगे? मेरे खर्चे आज मैं पर मुझे लेने पड़ते हैं पैसे लोगों से, जो मेरे को लोग दे रहे पैसे लेने पड़ रहे हैं, जो मुझे सरकार की तरफ से मिले हैं, तो मुझे क्या ये आपकी नौकरी पक्की कर दी जाए, आपके जो आसपास के लोग आपकी टीम की नौकरी पक्की कर दी जाए तो आपको फिर इक्विपमेंट की पैसे, किसी से पैसा ना लूं, मेरे को सहूलियत मिलती रहे, मुझे कोई लौटने किसी से पैसे लेने की, मुझे मजबूरी में पैसे लेने पड़ते हैं। संस्था नहीं आगे बढ़ के आती है आप लोग? कोई नहीं आता जी अपना, अब जिसका काम निकलना है इसके बाद कौन पूछेगा राजीव कौन है, कोई किसी को नहीं जानता, आज काम निकले, हम तो सदियों और ये देखते देखते आ गए हैं, इनसे ज्यादा मैंने डेड बॉडियां काट दी होंगी, मेरे पे जो चिट्ठे पड़े हैं, कोई सहूलियत नहीं है, मुझे बस सारा पता है, निकल गया, कोई किसी को नहीं जानता, कौन है राजीव कौन है किसी को नहीं जानते, अब इतने बड़े गोताखोर बुला दिए जो से मैं माननीय गोताखोर। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।